सुजीत और सारंग बैटिंग करने उतरे और ये लिटिल मास्टर कहां से अंदर आ गए। में चाहे इंडिया में ऐसे बैट लेकर अंदर आ जाते हैं। ओवर द विकेट, फुल टॉस बॉल, ये अच्छा स्वीप किया है डीप विकेट के रीजन में, एक रन। कौन पॉजिटिव? आप बाउंड्री लाइन के अंदर बैठे, प्लीज थोड़ा बाहर बैठे अन्यथा पेनल्टी दी जाएगी। ओहो, हाई एंड हैंडसम और छे। करते हुए अच्छी साझेदारी, अच्छा स्टार्ट मुंबई कस के लिए। इस बार रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया, सही कॉल, गुड कॉल, रन था नहीं वहां पर। फॉलो थ्रू में अच्छा स्टॉप मनोज का। ओवर नंबर दो में एक्सपीरियंस बॉलर उमेश अब आए हैं। सुजीत स्ट्राइक एंड पर, फील्डिंग में थोड़ी सी यहां पर निगाहें फरमाते हुए बॉलर, और ये सही है क्योंकि पिछले मैच में दो बार ऐसा दो इनिंग में देखने को मिला कि फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन के कारण फील्डर एक्स्ट्रा लगाए गए थे लेग साइड में, एक बार फिर ऑफ साइड में, जिसकी वजह से अंपायर ने नो बॉल का करार दिया। इस बार गिनती की जा रही है कि कितने लेग साइड में कितने ऑफ साइड में, फिर उसके बाद गेंदबाजी करेंगे। ऐसी सोच गेंदबाज की सोच सही है, कार्य कैसा होगा तो ये छह बॉल बताएगा इनका। फुल टॉस बॉल, सुजीत के बैट से धमाका, लेकिन टाइमिंग इस बार थोड़ी सी कमतरता नजर आई है। गायकवाड़ ने यहां पर अपनी टीम को ब्रेक थ्रू दिलाई है, 12 के स्कोर पर पहला विकेट गिराया। डेंजरस सुजीत बैक टू द पवेलियन, वापस गए, पहला विकेट गिरता हुआ। इस बीच लायंस को मिली सफलता, मुंबई कर्स को झटका। पहला मैच हुआ आज का जिसपे जीत हुई है टाइगर्स की किंग्स के खिलाफ। आखिरी मोमेंट वो गोल्डन सिक्स किसने लगाया, शायद धीरज ने लगाया, दिखना होगा। सुशांत कह रहे भूषण ने लगाया, बिल्कुल उमेश गायकवाड़। अब लेफ्ट हैंडर आए हैं, ये थोड़ी सी कहीं ना कहीं सिरदर्द रहता है लेफ्ट हैंड राइट हैंड, जब बल्लेबाज बीच मैदान के अंदर बैटिंग करते हैं, ऑफ साइड में कितने फील्डर लगाने हैं और थोड़ा स्पीड अप करना है, प्लीज विनंती है। बॉलर उमेश गायकवाड़,
इन्होंने अपनी पहली बॉल में बता दिया एज इज जस्ट नंबर। नेक्स्ट बॉल, एक और विकेट अपने रफ्तार में इस बार गिरफ्तार किया है और दो गेंदों पे दो विकेट चटका चुके हैं यहां पर उमेश गायकवाड़। ही इज ऑन ए हैट्रिक, माइंड ब्लोइंग बॉलिंग। मोस्ट विकेट्स इन वर्ल्ड कप फॉर इंडियन क्रिकेट प्लेयर, अगर बात करें बॉलर्स की तो कहीं ना कहीं सूची में उन्होंने जोगल श्रीनाथ, जहीर खान को पीछे छोड़ा 45 विकेटों के साथ शीघ्र स्थान पर है, लेकिन फिलहाल बॉलर ऑन ए हैट्रिक पर है। बैट्समैन का नाम बताना है, इस बार नो बॉल का कॉल है। नो बॉल का कॉल है, यस हाइट का पहला यहां पर इशारा अंपायर का। फ्री हिट बॉल, उमेश गायकवाड़ एक बार फिर तैयार, लेफ्ट ब्राउन ऑन साइड की तरफ, कैच की मांग, फ्री हिट बॉल है। रवि जिन्होंने कैच अच्छा पकड़ा था, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, सारंग और उनके साथ डालना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना होगा क्योंकि देखा जाए तो टीम के स्कोर की तरफ चर्चा करें तो 17 पर तो शॉक किया मुंबईकर्स पहले बैटिंग करती हुई टीम। आड़े बैट से खेलेगा प्रयास, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, अगर सीधे बैट से खेलते तो शायद नतीजा कुछ और होता, रिजल्ट कुछ और होता। अब ये सोच रहे हैं कि शायद अगर ऑफ साइड में खेल लेता मैं तो शायद रन कुछ और होते, लेकिन बॉलर की तकनीकी तौर पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक अच्छी बॉलिंग कही जाएगी। उमेश गायकवाड़ दो विकेट अब तक चटका चुके हैं, लेफ्ट एम राउंड द विकेट, इस बार कवर के ऊपर से गैप ढूंढा है, पीछे फील्डर जाते हुए एक्स्ट्रा कवर की रीजन में रन कितने मिलेंगे, और फिर थोड़ा सा धीमा क्योंकि सुबह का सत्र था ड्यू की वजह से। जेवा बाउंड्री लागेल ना भावा तेवा डीजे वाजव, तुम्हाला पण चान्स भेटेल आणि बॅट्समॅनला पण चान्स भेटेल बाउंड्री लावायचा। उमेश लेफ्ट ऑफ राउंड द विकेट एक बार फिर तैयार, राइट हैंडर के लिए पुल किया, इस बार हवा में गेंद, बैकवर्ड्स पहले पर खिलाड़ी है, पहला वहां पर कॉल था कि बॉल को फील्ड करना है, अच्छी फील्डिंग वहां पर स्क्वेयर ऑफ द विकेट में नजर आया। उमेश गायकवाड़ हल्का सा महंगा ओवर जरूर है लेकिन कहीं ना कहीं जर्सी के पीछे एक लिखा है और वैसा ही बॉलिंग रहा है, एक नंबर। ओवर की समाप्ति, दो ओवर का खेल पूरा, दो ओवर के खेल के बाद टोटल स्कोर है 21 आफ्टर लूजिंग टू विकेट, टीम शॉक किया मुंबई का 20 रन, दो ओवर के बाद 20। रविंद्र बॉलिंग मार्क पर, वेरी फास्ट बॉल हुक किया इस बार, व्हाट अ शॉट, ओ माय गॉड, व्हाट अ कैच, ये पकड़ा नहीं है चिपक गया है फेविकी के हेड में।
ओवर नंबर थर्ड तीसरा चलता हुआ, फील्डिंग टीम आप थोड़ा समय ज्यादा ले रहे हैं, प्लीज थोड़ा सा उस पर ध्यान देना है। ठीक है, चर्चा कीजिए लेकिन समय का खर्चा मत कीजिए। ये बड़ा शॉट आते ही हुआ, बल्ला घुमाया है और अब देखना है कि रन कितना पाया है। शॉट कमाल का था ये, बैट स्विंग अच्छी, ऑन द राइट शॉट, और ये लगान वाला कैप्टन स्मिथ वाला कैच पकड़ना चाह रहे थे। बाउंड्री के बाहर कैच पकड़ेंगे तो 6 रन दिया जाएगा, और वहां पर संजू सैमसन ने पहले ही कह दिया 6। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा 26 पर। अख्तर आते ही 6 के साथ शुरुआत, रविंद्र ये बॉल डाउन द लेग, विजय पाटिल सर का इशारा वाइट, एक्स्ट्रा 1 रन, टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा 27 पर, 27 पर 3। कैमरामैन हमारे फोटोग्राफर, गुड जॉब, वेल डन, अच्छा कार्य करते हुए। अख्तर के पास स्ट्राइक, पुल करने का प्रयास, लेकिन इस बार स्लॉट में बॉल आया नहीं क्योंकि ये गुड लेंथ की बॉल थी। अच्छी वापसी रविंद्र की, कमजोरी पकड़ा इन्होंने बल्लेबाज का, उनको पता है कि बैट के नीचे बॉल मिलेगा तो जरूर कहीं ना कहीं परेशानियां उनके लिए हो सकती है। इस बार लेंथ को थोड़ा पीछे रखा है, डॉट बॉल आया, अच्छी वापसी रविंद्र और लायंस की। इस बार गेंद को सिर्फ दिशा दिया, बॉल जाता हुआ यहां पर फाइन लेग के रीजन में, फील्डर वहां पर, ओहो फुटबॉल, क्या बात है, पक्का रोनाल्डो के फैन होंगे ये।
मयंक लास्ट ओवर लेकर आए सामने अख्तर, चार बॉल में 11 पर बैटिंग कर रहे हैं। पहली बॉल पुल किया है स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में से, और अंपायर का इशारा नए ओवर की पहली बॉल यानी चौथे ओवर की पहली बॉल पर चौका आया अख्तर के बैट से। ये अख्तर कहीं ना कहीं थाने के अख्तर शेख जैसी बैटिंग कर रहे हैं, इक्कू जैसी, कमाल की बैटिंग रही है। पांच बॉल खेल चुके 15 पर बैटिंग कर रहे, बाउंड्री आया, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36-36। मयंक के ऊपर दबाव ढकेला क्योंकि पहली बॉल पर बाउंड्री आया और ये नो बॉल का सिग्नल आया अंपायर का, बॉल जाता हुआ लॉन्ग स्टॉप के रीजन में। फाइनल के खिलाड़ी इन एक्शन नजर आएंगे, यस नो बॉल, 22 रन टोटल एक्स्ट्रा यहां पर आप देख सकते हैं ऐड होते हुए 3। स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा 39-39 पर। यह मैच कमाल का होने वाला, पहले मैच पर रन नहीं बने लेकिन इस मैच में पहले मैच का जो टारगेट था उसे तोड़ा है, 33 था अगेंस्ट टाइगर के खिलाफ किंग्स ने रखा था, इस मैच में अब तक मुंबई का उसने 39 जोड़े हैं। ओवर द कवर शॉट खेला इस बार ऑन द अप गैप में, पीछे फील्डर क्या बॉल रोक पाएंगे, उमेश गायकवाड़ है लेकिन जी नहीं, अंपायर का इशारा एक और चौका। टोटल गेंदे फेस कर चुके हैं 7, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43। इस बार फाइल एक पर पुल किया, हालांकि पीछे फील्डर मौजूद है, अच्छी फील्डिंग, स्ट्राइक चाहिए अख्तर को लेकिन इस बार मुश्किल है हल्का सा। आप स्कोर कार्ड पे नंबर देखते हैं 444, स्कोर कार्ड पे पूरी जगह पर 4 नजर आ रहा है, क्या एक और 4 आएगा या विकेट मिलेगा मयंक को यानी लायंस को। लास्ट ओवर भी चल रहा है, फोर्थ ओवर इन प्रोग्रेस, 44-4। स्ट्राइक अब आप देख सकते हैं यासीन के पास है, ओवर द विकेट पुल किया इस बार मिड विकेट की रीजन में, लेग साइड पे फील्डर है लेकिन गैप पे शॉट, ये भी निकल जाएगा, चर्चा कर रहे थे कि यहां पर बैटिंग टीम का परफॉर्मेंस रहा है तेज तरार हैरत अंगेज। ओवर द विकेट इस बार लॉफ्ट किया है, ऊंची काफी गई है बॉल, पीछे खिलाड़ी नीचे खिलाड़ी, ओहो पार्टनरशिप कहते हैं इसे जब दो मिलकर ऐसे
टॉस के लिए आना है। वॉरियर्स और शॉ 11 टॉस के लिए आना है। फुल टॉस बॉल ओवर द कवर, पीछे फील्डर, नीचे फील्डर, वेल जज कैच। लायंस की फील्डिंग आज अच्छी रही है, एक तरफ बैटिंग टीम ने जोर दिखाया है तो दूसरी तरफ यहां पर फील्डिंग में लायंस ने वॉरियर्स टॉस उड़ाने के लिए आ जाइए जल्दी। चेक चेक, हाँ हेड्स और टेल्स, हेड्स ही हॉल चेक हेड्स शॉ वॉरियर्स हेड्स। हेलो शॉ वॉरियर हेड्स, कांग्रेचुलेशन शॉ वॉरियर्स फील्डिंग गुड, थैंक यू। चलो बोथ द टीम्स कांग्रेचुलेशंस और ऑल द बेस्ट।
मनोज पठन करना बॉलर यासीन राइट एंड राउंड वेरी फर्स्ट बॉल बैकफुट पे पंच और कवर पॉइंट की तरफ पहला रन इस सेकेंड इनिंग के रन चेज में 51 रन बनाने हैं लायंस को चार ओवर में मुश्किल है लेकिन एनीथिंग कैन बी पॉसिबल इन क्रिकेट ऐसा कहते हैं उमेश गायकवाड़ लेफ्ट हैंडर स्ट्राइक पर है जिन्होंने पहला ओवर डाला था बैटिंग करने ओपनिंग के तौर पर आए हैं एक रन स्कोर कार्ड पर यासीन डाउन द लेग बॉल लेफ्ट हैंडर के लिए ये एंगल से थोड़ा सा पीछे की तरफ गया यानी लेग स्टंप के बाहर वाइट का सिग्नल अंपायर सिद्धेश राठौड़ एक्सपीरियंस अंपायर उनके साथ विजय जी पाटिल मोस्ट एक्सपीरियंस अंपायर शॉट अच्छा इस बार कैप में पावर प्ले पावरफुल शॉट अब देखना है रन कितने हैं उमेश की तारीफ करनी होगी एक्सपीरियंस पुराने चावल यासीन सामने इस बार टॉप एज मौका कैच का कॉल और ड्रॉप उमेश गायकवाड़ लाइसेंस लेकर घूम रहे भाई लकी मुंबई कर्स के उनका दिल टूटा है ये पकड़ना चाहिए था आसान सा कैच ड्रॉप हुआ है मिडॉन के फील्डर ने गलती की है यासीन और यानी किया मुंबई कर्स को विकेट मिलनी चाहिए थी जो कि उमेश गायकवाड़ को जीवन दान दिया है लाइफलाइन मिला है अब इस तक इतना फायदा उठाएंगे सामने मनोज ऑन साइड की तरफ ड्राइव किया था लेकिन बैट से लगने के बाद बॉल गया ऑन साइड की तरफ कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना वैसा लगा दिखने को एक रन स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ लायंस इस मौके को अब कितना भुना पाएंगे उमेश गायकवाड़ देखना होगा 51 का टारगेट है इनका बने रहना पिच पर मैदान पर काफी महत्वपूर्ण बैटिंग टीम के नजरिए से बॉल की बात करें तो गेंदों टोटल अब तक हुई है चार गेंदों की समाप्ति के बाद कुल स्कोर है टोटल 8 फर्स्ट ओवर चल रहा टारगेट 51 51 सफल होकर खेला है शॉट फाइलने के फील्डर थे वहां पर एफर्ट अच्छा वहां पर एक्शन रिप्ले में देखते हैं ऑफ स्टंप की बॉल सफल हो गए थे ऑफ स्टंप के आफल बाहर निकल के मुश्किल कैच एफर्ट लाजवाब गजब का एफर्ट लास्ट बॉल अभी भी इस ओवर का शेष है टोटल स्कोर 9 कंपैरिजन की बात करें तो एक ओवर के बाद टोटल 12 रन था यही स्थिति पर जब लायंस बैटिंग कर रहे थे माफ किया मुंबई का जब बैटिंग कर रहे थे अब लायंस का स्कोर है 9 ओहो स्विच हिट अपील उत्साह ज्यादा आत्मविश्वास कम टोकन अपील कह लीजिए इसे देखिए जब घी सीधी उंगली से निकल रही है तो टेढ़ी करने की क्या आवश्यकता यानी मेरा कहने का मतलब जब सीधे बैट से रन निकल रहा है तो क्यों स्विच इट इस वक्त की ही क्यों लेकिन बैट्समैन की सोच अलग है मैदान पर खेल रहे उनका थॉट प्रोसेस अलग है ओवर कंप्लीट हुआ है एक ओवर के बाद कंपैरिजन में एक ओवर के बाद मुंबई कर्स का रन था 12 यहां पर 9 एक ओवर के बाद लायंस का रन है टोटल 9 रन
टाइमर पर ध्यान देना, थोड़ा समय भी इंपॉर्टेंट है प्लीज। उमेश गायकवाड़ के पास स्ट्राइक, एक ओवर के बाद कुल स्कोर है 9। आकाश बॉलिंग मार्क पर, आकाश थोड़ा स्पीड अप करना है। न्यू ओवर, नया ओवर लेकर, पहला बॉल ब्लॉक होल में, ऑफ स्टंप के बाहर बॉल जाता हुआ थर्ड मैन की तरफ, फील्डर दौड़ते हुए दौड़ लगाते हुए बॉल को स्टॉप करने के लिए, विकेट कीपर फाइनली पहुंचे। ये बैट से रन था, उमेश गायकवाड़ के बैट से रन। टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 पर 11 11 स्कोर कार्ड। पहले ओवर में 9 रन, नए ओवर की पहली बॉल पर 2। आकाश बॉलिंग कर रहे हैं, कवर ड्राइव, क्लासिकल शॉट, वाह भाई वाह, उमेश गायकवाड़ ओल्ड इज गोल्ड शॉट था ये, कवर ड्राइव सिंगल आया एक्स्ट्रा कवर की तरफ। हर बॉल के बाद चर्चा हो रहा है थोड़ा सा फील्डिंग टीम द्वारा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा है 12 पर। मनोज फुल टॉस बॉल, इस बार जूसी फुल टॉस मिस किया है। इस बॉल पर रन्स आ सकते थे लेकिन रन मिला नहीं है। फुल टॉस बॉल डॉट आया ओवर द विकेट, डाउन द लेग बॉल, सिद्धिच राठौड़ हमारे अंपायर व्हाइट का इशारा करते हुए। स्कोर आगे बढ़ता अब जा पहुंचा है 13-13 पर। ऑफ स्टंप के बाहर लाइन रखनी है, लेग स्टंप के बाहर लाइन डाल रहे हैं, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुश्किल समय। बॉलर आकाश, ये बेहतर लेंथ, हवा में बॉल, कैच की कॉल, और ये कहाँ छोड़ने वाले, पकड़ा है कैच, मनोज पटनाकर का विकेट, पाटनकर माफ करना उनका। विकेट गिरा, यासीन ने अच्छा कैच पड़ा लॉन्ग ऑन की रीजन में। एक और वाइट, मयंक आए बैटिंग करने के लिए। ये ओवर काफी लंबा ओवर गुजर रहा है, डाउन द लेग बॉल और अंपायर वाइट का इशारा करते हुए ओवर द विकेट। ये भी वाइड है, चलिए अंपायर की एक्सरसाइज तो आज हो रही है अच्छे खासे, लेकिन थकान फिर कहीं ना कहीं गेंदबाज में नजर आएगा। आकाश
इस बार गैप पे शॉट खेला ऑन साइड की तरफ और ये बाउंड्री होगा मयंक के। और फिर पुल किया है डीप विकेट पर खिलाड़ी हालांकि तैनात है वहां पर उस रीजन में। मयंक के बैट से सिंगल दौड़ कर आते हुए पूरी तरह एनर्जेटिक थोड़ी सी फील्डिंग नजर आई इस मर्तबा। ओवर की फाइनली यहां पर समाप्ति हुई है दो ओवर का खेल पूरा। दो ओवर के खेल के बाद टोटल स्कोर है 21 यानी जीतने के लिए 30 रन चाहिए। आने वाली गेंदें होगी 12 रिक्वायर्ड रन रेट 15.00 यानी दो ओवर्स में 15 की औसत से रन बनाने होंगे 30 30 रन्स रिक्वायर्ड। यस डीजे सारंग बॉलिंग मार्क पर 12 बॉल 30 रन चाहिए यहां से लायंस के लिए। ब्लू वर्सेस येलो पीली टीम ओवर द विकेट पहली बॉल हवा में ऑन साइड की तरफ कैचिंग का कॉल कैच कंप्लीट किया है और सारंग कह रही है जाइए भाई। के तौर पर आए थे अभी भी डटे हुए घूटा गाड़े हुए अपना विकेट बचा कर रखे हुए लेकिन अब रन्स बनाने होंगे अब समय है रन्स की। टीम मांगे रन्स दिल मांगे मोर। सारंग लगातार फील्डिंग में चेंजेस करते हुए अब लेफ्ट हैंडर है तो कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि जो स्ट्रॉन्ग एरियाज है उसको थोड़ा सा कवर अप करें। इक्वेशन अब थोड़ा सा चेंज हुआ है 10 बॉल 29 का इक्वेशन 10 गेंदे 29 चाहिए। अब सारंग सामने उमेश गायकवाड़ स्लॉग करना चाह रहे थे लेकिन बिल्कुल जड़ में है। अंपायर से थोड़ी सी चर्चा है और आप अंपायर से पूछ सकते हैं आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते। डिसिप्लिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द क्रिकेट। उमेश गायकवाड़ स्ट्राइक पर इस बार हवा में शॉट खेला है लॉन्ग ऑन की रीजन पर पीछे खिलाड़ी वहां पर दौड़ के आते हुए गेंद को फील्ड कर दूसरे की कॉल दो रन मिल गए यहां पर अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट
उमेश के फिटनेस की मैं दाद दूंगा। अच्छे अच्छे यंगस्टर यहां पर थोड़ा सा शर्मा जाएंगे उनके धक्के, इस तरह की रनिंग बिटवीन द विकेट, कमाल का यहां पर फिटनेस लेवल देखने को मिलता हुआ। इस बार पुल किया है फाइनल पे फील्डर, कैच का मौका, विकेट, सारंग इन एक्शन, हल्का सा फ्रेंडली स्लेजिंग, लेकिन टाटा बाय बाय किया इन्होंने यहां पर थोड़ा सा उमेश गायकवाड़ को। सारंग इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर निकल गए थे, गैप पे खेलना चाह रहे थे और लेफ्ट साइड की तरफ खेलने की कोशिश, लेकिन गजब का ये स्पेल रहा है इनका, कमाल का ये ओवर। ओवर शुरू होने से पहले 12 में 30 चाहिए था और अब देखा जाए तो ओवर की हुई है समाप्ति, अब जीतने के लिए 27 रन चाहिए, बॉल बाकी है 6 गेंदे 27, यहां आवश्यकता है लायंस को। बनिए रिंकू सिंह, देखिए 6 में 27 चाहिए, अगर एक आग दो बड़े शॉट आ जाते हैं विपिन के बैट से और अजय पाटिल के बैट से तो कहीं ना कहीं मैच में बन सकती है लायंस, लेकिन पलड़ा आंकड़ों के हिसाब से भारी नजर आता हुआ फिलहाल शॉ किया मुंबई कस का। नया ओवर लेकर बॉलर सफल होकर खेला है, लेकिन यहां पर इक्का दुक्का का समय नहीं है, अब थोड़ी सी हड़बड़ाहट, रनआउट का चांस, डायरेक्ट हिट चाहिए था, बैट्समैन आउट, कौन आउट हुआ, विपिन आउट हुए यहां पर, अब बॉलर का नाम बताना है, 10 नंबर की जर्सी है लेकिन नाम। इस्तिकार आए बैटिंग करने, स्ट्राइक है अजय पाटिल के पास, 26 चाहिए अब, ऑफ स्टंप के बाहर ये बॉल और वाइड यॉर्कर करना चाह रहे थे लेकिन वाइड डाल बैठे, 25 चाहिए अब 5 में, 5 balls 25 का इक्वेशन है, ऑलमोस्ट 4 sixes चाहिए मैथ कैलकुलेशन के हिसाब से, गणित के कैलकुलेशन के हिसाब से 4 sixes चाहिए 5 ball में, बेसबॉल वाला खिलाड़ी बनना पड़ेगा। इस्तकार नॉन स्ट्राइक एंड पर स्ट्राइक अजय पाटिल के पास, प्रभात की ये बॉल कोई प्रभाव नहीं, ऐसा लग रहा है इस बार विकेट कीपर और बॉलर खेल रहे सिर्फ। चलिए लायंस के लिए उम्मीदें अब थोड़ी सी कम नजर आ रही है, 4 ball में 4 sixes, अगर 6 लगता है तो चांस में रहे, मैच में रहेंगे, चांस हल्का सा रहेगा, अब जीतने के लिए 4 ball में 4 sixes चाहिए यानी 24। प्रभात ऑन साइड की तरफ लपेटा इस बार, लेकिन अलोंग द ग्राउंड तो खेलना ही नहीं, अब तो सीधा हवाई फायर करना था, एक ही मिलेगा सिर्फ, 23 चाहिए अब 3 में, प्रभात ने प्रभाव डाल दिया इस मैच में। नेक्स्ट मैच के लिए तैयार है ना, शॉ 11 वर्सेस वॉरियर्स, बी रेडी, आगे बढ़े, अपील, अंपायर सेज इट्स नॉट आउट, इक्यावन रन, ऐसा लग रहा काफी भारी पड़ता हुआ यहां पर लायंस के लिए, स्टार्ट अच्छा मिला नहीं, अगर स्टार्ट अच्छा होता तो शायद इस चेज को फेस कर सकती थी टीम।
ऑन साइड की तरफ इस बार खेला हुआ स्ट्रोक था, मिड विकेट की तरफ। अब कहीं ना कहीं बैटिंग टीम ने भी मान लिया है मैच अब जीतना मुश्किल है। हार की कमतरता हम जरूर कर सकते हैं लेकिन जीतना थोड़ा कठिन है। नेक्स्ट मैच ये एक तरफा मुकाबला हुआ है लेकिन उम्मीद करेंगे नेक्स्ट मैच कुड बी द बेस्ट मैच। शॉ किंग्स, शॉ 11 वर्सेस मुकाबला वॉरियर्स। पहले की तरफ शॉट खेला, ये चौका जरूर है लेकिन सुजीत के सेलिब्रेशन से आप अंदाजा लगा सकते हैं मैच जीता है यहां पर शॉक किया मुंबई कर्स ने।